Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SP N न्यूज। गुजरात से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में 22 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 100 से आंकड़ा पार। कभी बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी हमेशा 100 से पार ही आंकड़ा सीटों का आंकड़ा पार करके ही लाती थी, लेकिन इस बार 99 ही सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के CM उम्मीदवार चुनने से पहले ही कहीं ना कहीं एक जो विधायक है वो कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गया है। और अब बीजेपी का आंकड़ा 100 पूरा सेंचुरी बना ली है बीजेपी ने। और मैं आपको बता दूं कि 99 विधायक जीत सके थे, विपक्ष ने 99 का फेर देकर के जमकर बीजेपी का मजाक भी उड़ाया था। और इस मजाक को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले बिल्कुल इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि तंज कसा जाता था, बीजेपी कांग्रेस वाले तंज कसते थे कि 99 आंकड़ा पार भी नहीं कर पाई, 100 भी नहीं बीजेपी में जो सीटें थी वो नहीं आ पाई। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक जो विधायक है वो कांग्रेस का पाला छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब कांग्रेस और विपक्ष के लोग अब बीजेपी को नहीं बोल पाएंगे कि वो 100 भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। लेकिन जिस ये आंकड़े का जो जोड़ है, क्योंकि कभी विधायक दूसरी पार्टी से आते हैं और विधायक जाते भी हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जो रणनीति होती है बीजेपी की वो कहीं ना कहीं इस तरीके की होती है कि सामने वाले पक्ष में जो है जो कैंडिडेट खड़ा है और या फिर बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट है या फिर निर्दलीय, उसको कहीं ना कहीं अपने खेमे में ला ही देते। और वही चीज़ हुआ। मैं आपको बता दूं कि लुनावड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक रतन सिंह राठौर ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। राठौर ने राज्यपाल को खत लेकर अपना समर्थन देने की बात कही है। इस तरह राठौर के समर्थन से देने से बीजेपी को 182 सदस्यीय विधानसभा में 100 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। रतन सिंह राठौर कांग्रेस से बगावत करके लुनावड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, इसके लिए उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। कांग्रेस ने इसके लिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बावजूद रत्न सिंह निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब उन्होंने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन भी दिया है। जिस तरीके से, मैं चाहूँगा कैमरामैन खबर की तरफ रुख करें, क्योंकि जो लेटर आप जो देख रहे हैं उन्होंने राज्यपाल को दिया है और राज्यपाल ने ये उनके जो पक्ष है उसको ध्यान में रख कर के मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और उसी को लेकर विपक्ष ने जमकर तंज कसा था कि बीजेपी को हमने जो धूल चटाई है वो 99 और 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। लेकिन अब बीजेपी ने सेंचुरी बना ली है। अब मुझे लगता है कि विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। और जो 80 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, 3 सीटें अन्य को मिली थी। अन्य की 3 सीटों में रत्न सिंह राठौर एक थे, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन करने के लिए राज्यपाल को खत लिखा है। गुजरात में बीजेपी इस बार लगातार 6ठी बार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार बीजेपी 100 के आंकड़े छू नहीं सकी थी। जबकि इससे पहले कि सभी विधानसभा जो सीटें हैं बीजेपी 100 से ऊपर विधानसभा सीटें जीतती आई है। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, 1998 में 117 सीटें मिली थी, 2002 में 127 सीटें, 2007 में 117 सीटें, 2012 में 115 सीटें और 2017 में 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हमारे साथ सहयोगी हमारे राहुल शर्मा, क्या कहना चाहूँगी जिस तरीके से विपक्ष एक तंज कसता था बीजेपी को लेकर के, क्योंकि जो मजबूती के साथ राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था और उसी मजबूती के साथ उनको एक मात दी थी। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके का बोला था कि 150 आंकड़ा पूरा पार करेगी, बीजेपी, लेकिन वो 99 में ही सिमट गई थी, लेकिन अब पूरी सेंचुरी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो आंकड़े सामने आए थे, अमित शाह ने बोला था कि 150+ लाएगी बीजेपी, लेकिन उनकी जो बातें वो धराशाही हो गई, बातें उनकी कह सकते हैं दरकिनार हो गई। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो बीजेपी है वो 99 पर आकर सिमट गई थी और विपक्षियों ने इसको लेकर बहुत हो हल्ला किया था। विपक्षियों का कहना था कि जो अमित शाह 150+ सीटें लाने की बात करते थे, अब वो कहाँ हैं, आखिरकार उनकी वो बयानबाजी कहाँ है, जिस तरह से 99 पर आकर सिमट गई थी। देखिए, जब मैं बात करूं कि अगर गुजरात की, तो इस तरह से बीजेपी को कभी भी सीटें नहीं मिली हैं, जिस तरह से इस रुझान में देखने को मिला, जिस तरह से ये आंकड़े आए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। कह सकते हैं कि जीत कर भी हार गई है बीजेपी। तो ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें विपक्षी जो है इस मामले पर तंज कस रहे थे, लगातार सवालों के घेरे में घेर रहे थे कि बीजेपी जो है आज इस स्थिति पे आ गई है। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह की रणनीति तैयार की, उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। और वाकई में 80 सीटें लाना गुजरात में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं राजनीति है, राजनीति के अंदर देखा जाता है कि कब कोई भी तो एक खेमा छोड़ के दूसरे खेमे में शामिल हो जाए, और यहाँ पर देखने को मिल गया। देखिए, जो बीजेपी अभी तक 99 पर सिमटी हुई थी, अब एक बढ़ गया है तो 100 हो गई है, यानी कि अब विपक्षी ये बात नहीं कह सकते कि 100 भी नहीं ला पाई। जी अनुज, देखिए राहुल, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि सीएम पद का अभी चुनाव नहीं हुआ है, और उससे पहले ही राजनीति, क्योंकि बीजेपी कहा जाता है कि तोड़ और जोड़ की राजनीति बहुत करती है, और वही चीज़ें सामने आई है। उत्तराखंड में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब सरकार होने के बावजूद भी उसने तोड़ मड़ोड़ करके ही सीटों को लाने की एक बहुत बड़ी चाल चली थी, और यही चीज़ बिहार में भी देखने को मिली थी। लेकिन बिहार से अगर आप कहें कि गुजरात में 99 सीटें आई थी, लेकिन इसके बाद भी वो चाह रही थी अगर एक सीट और एक मान, क्योंकि बीजेपी की लालसा एक मन में थी कि 100 अगर हो जाती तो और ही अच्छा रहता, क्योंकि 99 सीट एक कहा जाता है, क्योंकि इतिहास रहा है बीजेपी का गुजरात के अंदर कि वो 100 से पार ही जाती थी हमेशा, क्योंकि 115, 121 और 119 जिस तरीके से देखने को मिला है वो अब आई है। और सीएम पद, क्योंकि आज सीएम पद का चुनाव होना है, और उससे पहले ही ये खबर शायद बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं कि जैसे मैच में एक खिलाड़ी होता है, वो शतक भी नहीं लगा पाता, अगर 99 पर ऑल आउट हो जाता है तो बहुत दुख होता है कि अगर थोड़ा सा और खेल लेता तो वो शतक बना लेता। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला, राजनीति के माहौल में बीजेपी को भी यही लगा कि अगर थोड़ा सा एक और आंकड़ा उन्हें मिल जाता, एक और सीट उन्हें मिल जाती तो 100 कंप्लीट हो जाता। तो देखिए, उनकी कह सकते हैं कि जो उस मुद्दे पर वो कह सकते हैं कि गंभीर विषय भी था ये, लेकिन किसी न किसी तरह से वो 100 तक आ गए, और अब विपक्ष ये नहीं कह सकता कि वो 100 भी नहीं पार कर पाए। अगर मैं बात करूँ सीएम उम्मीदवार की, सीएम दावेदारी की, तो हाँ आज गुजरात में ये पता चल जाएगा कि गुजरात का सीएम कौन होगा। वैसे अभी बात करूँ विजय रूपानी की, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन देखिए अभी भी जो है विचार विमर्श किया जा रहा है कि विजय रूपानी के अलावा और कौन से नेता को सीएम पद के लिए खड़ा किया जा सकता है। वैसे तो विजय रूपानी इस मामले में आगे चल रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट और हैं जिन्हें इस दौड़ में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, विचार विमर्श किया जा रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, और थोड़ी देर बाद ही नतीजे साफ हो जाएंगे कि गुजरात का सीएम कौन होगा। देखिए, हिमाचल की भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि हिमाचल में भी जैसे कि प्रेम कुमार धूमल जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो हार गए हैं, तो उनके हारने के बाद जो है अब हिमाचल में भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी ये आज तय हो जाएगा कि दोनों राज्यों में कौन जो है मुख्यमंत्री होगा और कौन दावेदार होगा। बिल्कुल राहुल जी ने जिस तरीके से जानकारी दी कि क्योंकि गुजरात का जो चुनाव है वो बहुत ही नाक का सवाल बना हुआ था, और नाक का सवाल अगर आता है तो हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर देता है। लेकिन अब जो निर्दलीय जो विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्होंने अब बीजेपी का जो दामन थाम लिया है विधायक होने के बाद, अब बीजेपी के खेमे में 100 विधायक हो गए हैं। अब समर्थन जो होगा वो पुख्ता होगा कि सीएम पद का आखिर जो पद होगा वो किसको ला, क्योंकि विजय रूपानी का नाम चल रहा है। हालांकि विजय रूपानी जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन को देखा जाए कि जो सीटें कमाई हैं उनको ही दोष दिया जा रहा है और हो सकता है कि उनको ये खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज जब सीएम का ऐलान होगा तो किसका होता है। देखते रहिए SPN9 न्यूज़, आपको हम रूबरू कराते रहेंगे और अन्य खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार।